हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ 5 दिन के ट्रिप पे मनाली, शिमला और मणिकरण, एंड इट्स गोना बी ऑसम। तो चलिए शुरू करते हैं मनाली जोगिनी फॉल से। अप्रॉक्सीमेटली आधा रास्ता पार कर चुके हैं, तो दोस्तों ने कहा है कि कुछ देर के लिए स्टे करते हैं, तो यहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए व्यू देखो। थक गए हैं पूरी तरह से। सीधी चढ़ाई थी पूरी ऊपर तक। वाटर बॉटल रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि सांस फूल जाती है, गला सूख जाता है, सो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो अगर आप जोगिनी फॉल आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है, ज़रूर आना चाहिए, बट ध्यान से, क्योंकि सीधी चढ़ाई है, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, उबड़ खाबड़ है, पैर फिसल भी जाता है, सो ध्यान से। अभी हम हडिम्बा टेम्पल में जा रहे हैं। मनाली की हर एक बेहतरीन अच्छी जगहों में से ये भी एक अच्छी जगह है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम वन निवास मनाली में आए हुए हैं। यहाँ की बहुत ही अच्छी सी जगह है, आप व्यू देख सकते हो यहाँ पीछे। सो फाइनली हम जोगिनी फॉल्स और हडिम्बा टेम्पल से वापस आ गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह थी, थक ज़्यादा गए थे, नींद बहुत आ गई थी, इसलिए हम 3 घंटे सो गए। सो अभी हमारी आँख खुली है, तो मैंने सोचा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जोगिनी फॉल बहुत अच्छी जगह है, बट आपको रिकमेंड किया था कि वाटर बॉटल ज़रूर रखें, आप स्नैक्स भी कुछ साथ में ज़रूर रख लें, क्योंकि भूख लग जाती है काफ़ी। और अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है, स्लिपरी भी है, पैर भी फिसल सकते हैं। अच्छे सूट्स रखें जिससे पकड़ बनी रहे। और हडिम्बा टेम्पल भी बहुत अच्छी जगह है, माता की जगह है, और
बहुत लंबी लाइन लगी थी, हमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लग गया लाइन में, बट अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। और थोड़ा सा आगे जाके एक राइडिंग की प्लेस है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी राइड्स मिलती हैं, आप बोटिंग कर सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो, रोपिंग कर सकते हो। तो अगर आप हिडिंबा टेम्पल जाओ तो प्लीज़ वहाँ भी विज़िट करो और अच्छी अच्छी राइड्स लो, आप इन्जॉय करोगे, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता यार कहीं भी आने का। और अगर आपको इस ट्रिप के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लाइक होटल का कितना खर्चा आता है, मनाली के ट्रिप के लिए कितने पैसे लगते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। नीचे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने हिसाब से। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी यह ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम कुछ देर बाद मणिकरण की तरफ रवाना होंगे और वहाँ एक नाइट का हमारा स्टे है, फिर हम शिमला जाएंगे, वहाँ भी हमारा एक नाइट का स्टे है, अच्छे अच्छे व्यूज़ रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आपको दिखाऊंगा, अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगा जो आपने देखी नहीं होगी। तो प्लीज़ जो लाल सारा बटन है उसको दबा डालो, मुझे नहीं पता है, बस दब जाना चाहिए। और स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।